हमारे साथ देवकिरण ठाकुर जी हैं। आपने सनातन धर्म बोर्ड की मांग की, क्या अगर सरकार इस पर मान जाती है तो क्या कुछ प्रारूप इसका रहने वाला है? शंकराचार्य भगवान इसे संभालेंगे, चारों शंकराचार्य रहेंगे, उनके द्वारा मंदिर संचालित होगा, पूजा पद्धति संचालित होगी, उनके द्वारा उस तमाम चीज़ों जो मंदिर से जुड़ी हुई जमीन है वो, फिर जो वेद की सुरक्षा है वो, फिर उसके द्वारा गौशाला, हॉस्पिटल, सेवा कार्य और गुरुकुलम, ये बहुत बड़े बड़े चीज़ें हैं जो हमारी सनातन परंपरा को बचा सकती हैं, वो कार्य से प्रारंभ होंगे। तो आपने कहा कि सभी राजनीतिक दलों से आपने समर्थन मांगा है या मार रहे हैं? हमने निमंत्रण भी, लेटर भी भेजा है कि आप हमें समर्थन लेटर दें। उसमें खड़गे जी भी हैं, राहुल गांधी जी भी हैं, अखिलेश जी हैं, शरद पवार जी हैं, बहन मायावती जी हैं, ममता बनर्जी जी हैं, अखिलेश यादव जी भी हैं, उद्धव ठाकरे जी हैं, क्या नाम है, केजरीवाल जी भी हैं, केजरीवाल जी तो रह गए, उनको भी हमने लेटर भेजा है कि आप हमें, दो महीने बाद तो वैसे भी आपका चुनाव है, तो उससे पहले हमको आप समर्थन करें कि सनातन बोर्ड का निर्माण होगा, तो सनातन ही आपका भी ध्यान रखेंगे। मेरा आखिरी सवाल यह है कि जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ, कनाडा में हुआ सनातन धर्म के मानने वालों को, क्या अब ये सही समय नहीं है कि हिंदू राष्ट्र भी अब हिंदुस्तान को बन जाना चाहिए? देखिए, हम ऐसा मानते हैं कि सनातनियों पे कहीं भी बुरा व्यवहार किया जाएगा उसकी आवाज सनातन बोर्ड उठाएगा, सनातन बोर्ड उसके साथ खड़ा रहेगा और सनातन सनातनियों की सुरक्षा करेगा, चाहे वो देश हो चाहे वो विदेश हो। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सुनमंडल के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18 दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, जिस तरह से आज धर्म संसद का आयोजन किया गया है, क्या कुछ आपकी मांगे हैं, क्या कुछ आपके मुद्दे हैं? देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश में वैदिक सनातन संस्कृति को धूमिल करने का कुछ चल रहा है, पूरे सनातन के मानने जाने वालों को एकत्रित करने के लिए, विशेष करके हमारे जो मठ मंदिर हैं उनका प्रबंधन हमारे बोर्ड के माध्यम से हो, इस प्रकार की योजना परियोजना बनाने के लिए सनातन बोर्ड की स्थापना की मांग काफ़ी समय से हो रही थी। देवकीनंदन जी ने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई है, तो पूरे देश के प्रमुख संत आ रहे हैं और लोग आ रहे हैं, बैठ करके सरकार से, एक हम दूसरे का अहित नहीं चाहते पर हम अपना भी अहित नहीं चाहते। जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड के माध्यम से पूरे देश पर अनाधिकृत कब्जा हो रहा है, उससे लोग कहीं ना कहीं भयभीत हैं। जिस प्रकार से कहीं ना कहीं खाने पीने की चीज़ में कुछ अवांछनीय वस्तु मिलाई जा रही है, पूरा समाज उससे चिंतित है, तो आखिर चिंता व्यक्त कहाँ करेंगे? तो मुझे लगता है कि ये प्रजातंत्र की राजधानी है दिल्ली, तो यहाँ बैठ करके सभी सनातन को मानने जाने वाले लोग एकत्रित होकर के सरकार से मांग रखेंगे कि सनातन बोर्ड को, उसको वक्फ बोर्ड को आपने आंखें बंद करके सब अधिकार दे दिए, हम तो केवल इतना करें हमारे मठ मंदिरों का प्रबंधन सनातन बोर्ड करे सरकार ने। इस तरह से तमाम जगह पर, चाहे विदेशों की बात करें, चाहे कनाडा की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, तमाम सनातन धर्म के मानने वालों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, लगातार उनको परेशान किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि भारत में अब सही समय है हिंदू राष्ट्र बना देने का? देखिए, पूरी दुनिया में इस्लामिक देश हैं, ईसाइयों के देश हैं, हिंदुओं का क्या है? कहीं कुछ नहीं है। सबसे प्राचीन परंपरा, सबसे प्राचीन धर्म, अभी जो कल पैदा हुए, किसी के 60 देश, किसी के 65 देश हैं, प्राचीन परंपरा वालों को भारत में रहना मुश्किल हो रहा है। बांग्लादेश हमारी रहमो करम पे बना, आज वहाँ हिंदू नहीं रह पा रहा। पाकिस्तान कल बना, आज हिंदू नहीं रह पा रहा। बर्मा कहाँ कहाँ, 7 टुकड़े हो चुके देश के, अब आगे नहीं। वक्फ बोर्ड के माध्यम से एक नया पाकिस्तान बनाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, सनातन के माध्यम से हम पूरे सनातनियों को जातवाद से उठ करके राष्ट्र और धर्म के लिए एकत्रित करने का शंखनाद यहाँ से हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये सही समय है वक्फ बोर्ड को भी अब समाप्त कर देना चाहिए? नहीं, समाप्त करें तो अच्छा है, समाप्त न करें तो उसमें संशोधन करें, और जो बिना मतलब कि आक्रमण कर रखा है उन्होंने भूमि पर, उसे छुड़ाया जाए और सरकार की जो भूमि है सरकार अपनी ले, क्योंकि कोई भूमि अरब से नहीं आई, उनके कहेंगे हमारे पूर्वजों ने दान दी, तो जो पाकिस्तान चले गए उनकी भूमि वक्फ बोर्ड की कैसे हो सकती है? जो पाकिस्तान से हिंदू आए उनकी जमीन पर तो मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, और यहां से जो हिंदू गए, ये मुसलमान गए, उनका वक्फ बोर्ड को क्या तमाशा है? ये किसी भी देश में वक्फ बोर्ड नहीं है, ये देश तो धर्म निरपेक्ष है, पर धर्म से नहीं, सापेक्ष ज्यादा है, बस यही प्रकट करना है। किस किस पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भी आपने आमंत्रित किया है? आज किसी को राजनीतिक लोगों को नहीं बुलाया गया, कोई आए उनका स्वागत है, केवल सबसे स्वीकृति पत्र मांगा गया है कि सनातन बोर्ड बने, कितनी पार्टियां उसमें स्वीकृति प्रदान करती हैं, आमंत्रित किसी को नहीं किया गया, कोई सनातन परंपरा को मानता जानता है कोई आएगा उसका स्वागत है, उसमें क्या है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पवन गौड़, नेटवर्क 18 दिल्ली।